हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सिंह यार और आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोबारा से अपने इस चैनल में मेंटर विकास। राइट, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है, जिसमें कि हमने सीखा था बहुत सारी चीज़, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मगर इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमें इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो स्लैश एन होता है, ठीक है, स्लैश एन का क्या यूज़ होता है, ठीक है, स्लैश टी का क्या यूज़ होता है रूबी के अंदर, और हम जो भी बेसिक जो हमारे मैथ ऑपरेशन होते हैं तो अगर मैं वो उसको रूबी में करवाना है, ठीक है, तो मैं उसको किस तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है, किस तरीके स्पेशल सिंटैक्स यूज़ होता है और क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में रूबी में जान जाएंगे, ठीक है, रूबी में की चीज़ें कैसे होती हैं। अगर आप ऊपर देखोगे तो मेरी ट्यूटोरियल की स्पेलिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है, TUTORAL, ठीक है, अभी जगह सही होगी, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बात आपको समझनी है कि हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। यार अगर कोई भी चीज़ मेरे को न्यू लाइन में प्रिंट करनी है, ठीक है, तो मैं स्लैश एन का यूज़ करूँगा। अगर मेरे को टैब देना है, मतलब स्पेसेस देने हैं दो के बीच में थोड़े से ज़्यादा, जो कि मैं न्यू लाइन में शिफ्ट नहीं करना चाहता, मगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्लैश स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं स्लैश टी की मदद से करूँगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे प्लस माइनस और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो सारी चीज़ें हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यूज़ केस ऑफ स्लैश एन, ठीक है, और आप इसका यूज़ करोगे कहाँ। यार मान लो कि अगर मेरे को कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे मैंने बोला था कि मैं पिछले वीडियो में कुछ भी प्रिंट करना था, इसका यूज़ करते हैं, ठीक, तो मैंने बोला कि ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, राइट, और फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा दिस इज माई सेकेंड लाइन हो जाए, ठीक है, दिस इज माई सेकेंड लाइन, ठीक है, और ये जो मेरा सेकेंड लाइन है, ये मेरा सेकेंड लाइन में प्रिंट होना चाहिए। अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं टर्मिनल में जाता हूँ और इसको रन करता हूँ ruby.index.rb को, ठीक है, क्योंकि मेरी फाइल है, तो अगर आप देखोगे तो सारी की सारी लाइन एक ही के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं यार यहाँ स्लैश एन करता हूँ, सॉरी, अगर मैं बैक स्लैश, ठीक है, फिर एन करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो क्या होता है, क्या अगर मैं यहाँ इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है, एंटर करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि यार ये जो अपना दिस इज माई फर्स्ट लाइन, वो पहले लाइन में आ गया, ठीक है, दिस इज माई सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन में आ गया, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही मैं स्लैश एन मैंने दिया तो स्लैश एन एज इन स्ट्रिंग की तरह कंसिडर नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारा एज इन कंसिडर हुआ, एक तरीके का फंक्शन बोल सकते हो, एक तरीके की एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है, तो एक तरह का एक्सप्रेशन यहाँ कंसिडर हुआ है और उस एक्सप्रेशन को कुछ करना था तो उसने कर दिया, ठीक है। तो ये स्लैश एन है, एक इनबिल्ट चीज़ है। अब हम गलती क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लेते हैं, फिर एन लिख देते हैं, फिर हम कंसोल में जाते हैं, ठीक है, मतलब अपने टर्मिनल में जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बोलते हैं यार ये तो हुआ ही नहीं, ये तो स्लैश एन काइंड प्रिंट हो गया है, मतलब ये तो गलत बता रहे हैं। नहीं, हमें ध्यान क्या देना है, आपको को बैक स्लैश का यूज़ करना है, बैक स्लैश स्लैश एन, ठीक है, तभी चीज़ काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, क्लियर है। तो यार अगर मैं इसको तीन लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने दोबारा से स्लैश एन लिख दिया और यहाँ से जो अगली लाइन है वो, मतलब जो अगला वर्ड है वो अपने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। देखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, जाके एग्जीक्यूट कर देना है और आप देखोगे कि ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं। यार अगर मैं इसी की जगह स्लैश एन की जगह स्लैश टी लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक जगह स्लैश टी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ देखो अभी मैंने बैक स्लैश लिया हुआ, ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा, मैंने एंटर दबाया, मैंने किया कि बीच में इसका एग्जीक्यूट करो, तो आप देखोगे कि इसके बीच में दिस इज माई के बीच में देखो कितना सारा स्पेस आ गया, ठीक है, तो इसको हम टैब बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं टैब, जिस तरीके से आप टैब करते हो। अगर मैं टैब प्रेस, अगर मैं यहाँ टैब प्रेस करने लगूँ, देखो मैंने एक टैब दबाया, ठीक है, दूसरा दबाया, तीसरा दबाया, तो काफ़ी एक ही बार में तीन चार स्पेसेस आ जाते हैं, राइट। तो अगर मैं टैब की फंक्शनैलिटी का यूज़ करना चाहता हूँ और दो वर्ड्स के बीच में काफ़ी एक टैब जितना स्पेस प्रोवाइड करता है उतना स्पेस डालना चाहता हूँ, तो मैं सीधे स्लैश टी का यूज़ करूँगा, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश टी का यूज़ करूँगा। तो ये था स्लैश एन का यूज़ और स्लैश टी का यूज़, ठीक। अब यार आ जाते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन पे, तो इसका क्या मतलब है, चलो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिक से मैथमेटिकल ऑपरेशन की बातें कर लेते हैं, तो या तो प्लस होगा यार, या तो माइनस होगा, है ना, या तो इंटू होगा, या तो डिवाइड होगा, तो ये हमारे बेसिक से मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं, तो यार अगर मैंने 2 + 3 लिखा, ठीक है, तो इससे कुछ होने वाला है कि मैं इसका एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यार कुछ भी नहीं हुआ। मगर अगर मैं सिर्फ 2 + 3 की जगह में लिख दूँ पुट्स लगा देता हूँ, फिर 2 + 3 लिख देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, देखो 5 प्रिंट हो गया। इसका मतलब सिर्फ मैंने पुट्स लिख दिया, ठीक है, और फिर जो भी मेरे को कराना था वो मैंने लिख दिया और फिर ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो यार अगर मैं काम करता हूँ, मैंने बोला कि नहीं चलो मेरे को माइनस करना है, ठीक है, और मैंने बोला कि मेरे को 2 में से 3 माइनस करो, क्या ये सही रिजल्ट आएगा, देखते हैं यार, देखो -1 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही रिजल्ट है,
मेरे को पुट्स करना है। मैंने बोला कि चलो 5 × 14, ठीक है, क्या ये हो सकता है? ठीक है, तो यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेट्स सी, देख लेते हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और यार इसी तरीके से मेरे को डिवाइड भी करना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कुछ नहीं करूँगा, यही सेम पुट्स। और फिर मैंने ये लिख दिया कि भैया 5 / 4, 5 / 14 मैंने एंटर किया और यहाँ मेरे को वैल्यू आ गई, मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ 0 आ गया, ठीक है। और 0 इसलिए आया क्योंकि ये अपना इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है और इंटीजर में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटीजर में तो भाई जो उसकी वैल्यू आनी है वो 0 point something आएगी, ठीक है। सो उससे तो कुछ वैल्यू आने नहीं वाली, तो इसका मतलब अभी अगर मैं करूँ तो भी आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पहला 2 आया, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट वाला कोई वैल्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया क्या? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रिटर्न करता है। ये कैसे रिटर्न करेगा फ्लोट, मतलब ये हमारे पॉइंट वाली वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो हमको इसमें फंक्शंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आगे बढ़ेंगे। इसका फ्लोर अगर आप जानोगे तो फ्लोर को इस तरह से यूज़ कर सकते हो और उस तरह को जो भी हमारे डेसिमल है अप टू डेसिमल तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 4 बेसिक से फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बेसिक से ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा यार जो मोस्ट पॉपुलर है मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो मॉड्यूलस, ठीक है। तो मॉड्यूलस को हम क्या बोलते हैं, अगर मॉड्यूलस को अगर जानते हो तो ये, ठीक है, ये क्या करता है कि एक रिमाइंडर देता है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर 14 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आना चाहिए 4, ठीक है, लेट्स सी कि आता है कि नहीं आता। और मैंने एंटर किया और आया गया 4, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से करूँ तो कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए 0, ठीक है, क्योंकि 14 को 2 से डिवाइड कर देगा तो आ गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो भी बेसिक से मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसको हम सिंपल सा यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। और यार अगर मेरे को इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना हो तो मैंने लिख दिया कि VARI मेरे को इसमें स्टोर कराना, और मैं अगर सिर्फ और सिर्फ इसको वेरिएबल में भी स्टोर करा सकता हूँ और इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सबसे ऊपर जो प्रिंट होगा वो देखो कि 2 + 3 = 5 आना चाहिए, तो देखो 5 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम किसी वेरिएबल में भी जो हम ऑपरेशन करा रहे हैं उसको स्टोर करा सकते हैं। और मेरे को ये ऑपरेशन करने के लिए किसी तरह का स्पेशल सिंटेक्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं सिंपल लिखता हूँ, ठीक है, वैसे मैं कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया 15 देन × 5 58, और ये सारी की सारी चीज़ें एक ही एक्सप्रेशन में हो सकती हैं, ठीक है। तो यार ये सिंपल्स आया और इस तरीके से हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो आपको जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने रूबी के अंदर, आप सिंपली बिना कुछ दिमाग लगाए कर सकते हो, ठीक है। यार इसकी आगे वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, मगर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।